गुड एमची दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी दोस्तों की जानकारी के लिए। बहुत सारे दोस्त हैं जिनको एप्लीकेशन नहीं चलाना आता EMC का, तो आप सबसे पहले तो अगर आपका आईडी बना हुआ है EMC में, सबसे पहला काम है आपका प्ले स्टोर पे जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें IMC बिजनेस के नाम से। और ये लोगो आप देख रहे हैं, इस लोगो के नाम की एप्लीकेशन IMC बिजनेस जब आप डालेंगे प्ले स्टोर में तो निकलेगा, उसको डाउनलोड कर लें और फिर उसमें अपना आईडी और पासवर्ड आप डालें। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं, फॉरगेट करके अपना आईडी डाल के और अपना मोबाइल नंबर डाल के कंपनी से आप अपना पासवर्ड भी मंगवा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल के लिए आईडी और पासवर्ड है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए ये आईडी ऑन हो गया है ना। और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, आप देख रहे हैं। एक तो सबसे पहले आपने जब भी जहाँ से भी सामान लेना है तो अपना आईडी नंबर ज़रूर लिखवाना है, वहाँ पे लिखवाना है, बिल कटवाना है, जिससे आपका बिजनेस वॉल्यूम मिलता है और उस बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे आपका लेवल बनता है और उससे ही आपका कैशबैक आता है, उससे ही आप चेयरमैन बनते हैं। तो आपने अपना सबसे पहले तो आईडी नंबर अगर आपका लगा हुआ है, आपका कार्ड बना हुआ है, तो उस पर ही बिल कटवाना है। और इसमें आप देख रहे हैं, आप जब अपना एप्लीकेशन खोल लेंगे अपना आईडी और पासवर्ड, तो ऐसे करके आपका ये पूरा डिस्प्ले खुलेगा। मैंने एग्जाम्पल के रूप में किसी का आईडी लिया हुआ है। और ये फिर आप यहाँ पे जाएंगे, चेंज पासवर्ड भी आप इसमें कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप ऊपर के रो में जहाँ पे टाइमिंग है, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ चेंज पासवर्ड, आप चेंज पासवर्ड यानी कि अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड भी यहाँ पे बना सकते हैं। और जो ये तीन निशान ऊपर के दिए गए हैं, आप सबसे ऊपर देखेंगे, इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन यहाँ से खुल जाते हैं। और इन 9 फंक्शन के अंदर भी अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। देखने में तो 9 फंक्शन लग रहे हैं, होम, डाउनलाइन, बीवी, ट्रांसफ़र, इनकम, ई वैलेंट, रिपोर्ट्स, काउंट, रिक्वेस्ट, सपोर्ट। तो मैं एक एक करके इनको थोड़ा क्लियर करूँगा। जैसे होम पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए कितने फंक्शन आपके सामने खुलते हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन रहता है, जो आप क्वालिफिकेशन कंपनी में मान लो कुछ भी लेते हैं उसका रहता है। ये देखिए, जैसे कुछ भी होगा तो यहाँ पर आएगा, नोटिफिकेशन कंपनी से कोई आता है तो यहाँ पे रहता है वो। आप KYC डॉक्यूमेंट, बैंक डॉक्यूमेंट, माय डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट लिस्ट। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर स्टोर कहाँ पे है कंपनी का, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं होम पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे फंक्शन बहुत सारे खुले हुए हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ़र के नीचे रजिस्टर्ड है, यहाँ से तो आईडी लगती है हमारी, अगर आप किसी की आईडी लगाते हैं। और रजिस्टर से ऊपर प्रोडक्ट ऑफ़र है, माई ऑर्डर बुकिंग है, माई परचेज है, स्टोर लोकेटर जो आप देख रहे हैं ये पांचवें नंबर पे ऊपर से लेके, तो इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप पूरे भारत का स्टोर देख सकते हैं कंपनी का कहाँ पे है। जैसे एग्जांपल के रूप में ये एक करनाल हरियाणा का जो TD है वो यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कौन सी स्टेट में आप देखना चाह रहे हैं। पहले ये स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपका वहाँ का डिस्ट्रिक्ट ये सिलेक्ट करना है, तो इससे आपका वो पूरा डिटेल निकल जाता है। तो फिर आप दोबारा से यहाँ जाएंगे, माय परचेज पे आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या ख़रीदा है, कब कब ख़रीदा है। माय ऑर्डर बुक, प्रोडक्ट ऑफ़र पे कंपनी कोई आपको ऑफ़र देती है तो उसमें आता है। और रजिस्टर्ड में मैंने जैसे बताया आपको किसी का आईडी लगाना है तो यहाँ पर रजिस्टर्ड करना, ठीक है। और डाउनलाइन में आप देख रहे हैं, डाउनलाइन में आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कितनी सारी डाउनलाइन आप देख रहे हैं, जैसे डायरेक्ट डाउनलाइन, डायरेक्ट डाउनलाइन मतलब आपके फ्रंट पे कितने ग्रुप चले हुए हैं। डाउनलाइन सर्च का मतलब होता है कि उस जो नीचे आपकी आईडी लगी हुई है उसको आप जब सर्च करते हैं तो वो पता लग जाता है कहाँ पर लगी हुई है, किसके ग्रुप में लगी हुई है। और डाउनलाइन सपोर्ट इसलिए दिया गया कि आप अपने ग्रुप के किसी भी मेम्बर का, नीचे का किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट का डाउनलाइन सपोर्ट में जब आईडी डालते हैं तो उसका पूरा डिटेल निकल के आ जाता है, उसका लेवल क्या है, उसका KYC हो चुका है नहीं हो चुका, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। माई अपलाइन में आप अपना अपलाइन का देख सकते हैं। डायरेक्ट रेफरल में आप देख सकते हैं कि आपने कितने लोगों को डायरेक्ट रेफरल किया हुआ, वो सारी डिटेल आ जाती है। और नीचे आप फंक्शन देख रहे हैं डाउनलाइन के बाद, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर मैं सामान ख़रीदता हूँ तो मेरे को वैलेंट कहाँ पे आता है, यानी कि फ्री प्रोडक्ट का वोचर कहाँ पे आता है।
और जैसे बीवी ट्रांसफ़र ये नहीं अभी फंक्शन है कंपनी का, इनकम के अंदर आप अपनी इनकम चेक कर सकते हैं। और ई वैलेट में जब आप कंपनी का प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, मान लीजिए अभी ऑफ़र चला हुआ है 1000 पॉइंट का, तो 1000 पॉइंट जब आप करते हैं 15 तारीख से पहले पहले, तो आपको जो वोचर आता है वो ई वैलेट में आता है। जैसे मैं यहाँ पे खोल के दिखाना चाहूँगा ई वैलेट ऑफ़र, तो ऐसे करके आपका भी ये ऑफ़र आता है। जैसे अभी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 500, 200, 400, 1000 जो भी होगा, जब भी आप सामान ख़रीदेंगे तो वहाँ से आप किसी भी टीडी स्टोर से इसको रिडीम करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने होम का आपको बताया, डाउनलाइन बीवी ट्रांसफ़र इनकम का बताया, ई वैलेंट का, रिपोर्ट में जाके आप इसका भी कोई इतना यूज़ नहीं है, लेकिन एक यूज़ है इसमें, इसमें ये चेक कर सकते हैं कि आप जो आपका पूरे महीने में जो पूरे ग्रुप का आपका आईडी होता है वो येलो हो चुका है, अगर उसको वो ड्यू परचेजिंग में आ चुका, ड्यू आईडी में आ चुका है, यानी कि वो ख़रीदारी करे काफ़ी टाइम हो गया, उसकी आईडी डिलीट होने वाली है, तो उसका डिटेल यहाँ पे हर मंथ कंपनी का रहता है, आप चेक कर सकते हैं। अकाउंट में जाके आप अपना वेलकम लेटर निकाल सकते हैं, अपना आईडी कार्ड भी आप बनवा सकते हैं, आईडी कार्ड आपका रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे आईडी कार्ड दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप जब खोल पाएंगे, जब आप इसको कंप्यूटर पे खोलते हैं, देखिए प्रोफाइल में आपका प्रोफाइल रहता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे आपको अकाउंट्स के बारे में पता लगा, रिक्वेस्ट में आप क्या चेक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट में भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, या आपने अपना बैंक चेंज कभी इन फ्यूचर करवाना पड़ जाए, तो अप्लाई फॉर आउटलेट आप कर सकते हैं, अप्लाई फॉर फ्रेंचाइजी आप कंपनी का ले सकते हैं। और सबसे नीचे जो फंक्शन है सपोर्ट का, सपोर्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप कस्टमर केयर से डिजिटल तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। जैसे आपने कोई टिकट जनरेट करना है, तो देखिए यहाँ पे आप टिकट जनरेट कर सकते हैं, कोई आपका प्रॉब्लम है, डॉक्टर से बात आपको करना है, ई कॉमर्स को लेके कोई बात करना है ना, ये सारे फंक्शन आपको कंपनी ने एक डिजिटल तरीके से कस्टमर केयर का भी आपको ऑप्शन दिया है। आप जब इसमें अपनी कोई भी इंक्वायरी पे क्लिक करके, जैसे मान लो मैंने लिख दिया KYC, तो यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लिख के KYC या कुछ भी, तो आप इसको जनरेट कर सकते हैं। इससे आपने ऑनलाइन बिना बात करे भी अपनी बात कस्टमर केयर में रखी है, और उसका समाधान सबसे पहले होता है। यहाँ पे आप अपना टिकट चेक कर सकते हैं, माई टिकट, उसका सोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, कब तक होगा, वो सारी चीज़ रहती है। तो दोस्तों मेरा जो आज मेन मोटो था, ये इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा नॉलेज देना था आपको। तो ऐसे करके बहुत सारी नॉलेज हम आपको देते रहेंगे, तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि हम सभी ऐसी वीडियो बनाने वाले हैं और बना भी रहे हैं, जिससे आप एक अच्छे लेवल पे, आपको अगर आप लीडर हैं, अगर आप यूज़र हैं, तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। गुड एमसी, आप इसको पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें और अपनी टीम में भी करवाएं। गुड एमसी।